हेलो दोस्तों, ये अपना बुलेट BS6 है। ये नई वीडियो से थोड़ा स्वागत है। सो अज इसका कुछ रिव्यू करांगे। सो दस दें कि इसने एवरेज किया, कि इसका मैं कुछ कम कराया, कि इसकी मॉडिफिकेशन की। सो चलो वीडियो स्टार्ट कर दें। सब तो पहला दोस्तों, जिदने लिया सी अपने एक आह हेडलाइट कवर्स, ये चारे चेंज किए ने। ज़्यादा कुछ मैं नहीं किया, अलाय आप नहीं पवाए। अपना पवाने एस व्हील जो कि मैं अवेलेबल नहीं मिले इतने, इसलिए मैं नहीं पवाए। एंड उस तो बाद आप एक स्टिकर लगवाया, बाकी आप चेंज किया बैंड। जो सेंसर है वो भी बिच लगे हुआ, एंड साइलेंसर। एंड आपको स्टिकर लगवाया वाहेगुरू का। सो पहली सर्विस है जी, आप करावे हम कल करावे। 625 किलोमीटर चल गया। एवरेज नहीं दसिया जाए दोस्तों, 40 तो 45 बच्चे की एवरेज आ फिलहाल जो मैं इन्हें एवरेज दी है। सर्विस तो बाद कहते हैं बढ़ जाऊगी, बाकी देखते हैं। एंड अलाय दस्यो तुसीं किहड़े पवाईए दे, मर्सिडीज़ वाले आपां पवाने नहीं, 3S पवाईए जां 2S, कमेंट बॉक्स में जरूर दस्यो। आवाज़ तुसीं पिछली वीडियो में सुनी ली होगी, जे दोबारा सुननी है दोबारा सुना दें। RPM ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀਰੇ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਛੇੜ ਕੇ RPM ਸਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਜੁਗਾੜੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਲੋ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਊਡ ਆ, BS4 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਊਡ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਈਕ ਪਟਾਕੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਡ ਪਾਈਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਦੀ ਹਰਕਤ ਜੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਨਦਰ ਬੋਲਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਟਾਕੇ ਪਟਾਕੇ ਮੇਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅਲਾਏ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਵਾਈਏ ਆਪਾਂ।